डॉक्टर, वेदिका को हाथ मत लगाना। वेदिका का कोई चेकअप नहीं होगा और मैं उसे तुम्हारे शक का शिकार नहीं बनने दूंगा। हाँ अलीशा, मैंने तुम्हारी शक भरी बातें सुन ली थी। तुम्हारी बुआ जो प्लान बना रही थी वो सब मैंने सुन लिया है। बात ये है कि मैं बस अलीशा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पहले तुम्हारी शर्त है और अब ये शक। अरे तुम्हारे शक ने तो जीना आराम कर दिया हमारा। अगर तुम्हारे दिमाग में शक की दीमक लग गई है तो अपना इलाज करवा। वेदिका को तकलीफें देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या कसूर है इस बेचारी का? ये तो आज तक वही करती आई है जो तुमने कहा है। क्या करती? ममता की मारी है बेचारी, कृष्णा की मां बनकर हमेशा झुकती आई, लेकिन मेरी पत्नी बनकर तुम्हारे इस दौर शर्तों के आगे नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी। और कितने दुख और तकलीफें देना चाहती हो उसे, और किसके लिए? इस बच्चे के लिए। वो बच्चा जो इस दुनिया में आज है तो वेदिका की वजह से। भूल गई अलीशा, एक दिन तुमने अपनी और इस बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। आज अगर कृष्णा इस दुनिया में है तो सिर्फ वेदिका की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं, वेदिका की वजह से तुम्हें इस घर में इज्जत मिली, मान मिला, कृष्णा की मां कहलाने का हक मिला। और तुमने वेदिका को बदले में क्या दिया? शर्तें, दुख, हर चीज की एक हद होती है अलीशा। ये लो। मेरी वेदिका को इतना दुख पहुंचा है, उसे अपने पास ही रखो और उसे लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। ध्रुव, मैं कृष्णा के बिना नहीं रह सकती। मेरा बच्चा ध्रुव, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वेदिका, कृष्णा के बगैर जीना सीख लो, समझौता कर लो अपने दिल से, समझाओ अपने दिल को कि ना ही हमारा कोई बच्चा है और ना ही कभी होगा। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज के झंझट से, इसलिए खत्म करना चाहता हूं यह शर्तों और शक का किस्सा। चली जाओ यहां से, कृष्णा को लेकर चली जाओ। एक मां का दर्द समझने के बजाय उसे और दर्द देने का हक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सोचा था कि एक मां होने के नाते एक मां की ममता समझोगी तुम, लेकिन तुम्हारी जिद और नादानी आज हमें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आई है कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके, जुदा हो चुके, जुदा हो चुके, जुदा हो चुके। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। चली जाओ यहां से, चलो वेदिका।